ॐ वैज्ञानतिमिरामुखस्य ज्ञानाञ्जनतलाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय जयस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनिकावतारौ सङ्कीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ विजवरौ युगधर्मपादौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में श्रीधार ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हो गए हैं ये स्थान का नाम सिद्धार इमलीतला है। इमली आप लोगों ने देखा है इमलीतला त्रिकुलगा ये सिद्धा ये इमलीतला है। सिद्धा इमलीतला मतलब क्या है? ये वृक्षों को सिद्धा क्यों बताया गया? इसका पीछे बहुत बहुत सारे रहस्य है। इसलिए जिस समय कृष्ण जब रास कर रहे थे रास करते करते अभी गोपियों को मन में सौभाग्यवत उदय हुआ है। सौभाग्यवत मतलब है अभी राधा रानी को कोई जरूरत नहीं। हम तो राधा जी के बगैर स्वयं स्वतंत्र नहीं था। राधा रानी की कोई जरूरत नहीं। अभी राधा रानी ने देखा इतने में गोपियां तो देख रहे थे कृष्ण केवल हमारे पास केवल हमारे पास नहीं। राधा रानी देख रही थी कृष्ण सबको पास में भी है और कृष्ण मेरे पास में है। इसलिए राधा रानी को हो गया मान और गोपियों को हो गया सौभाग्यवत। अभी कृष्ण ने देखा अभी राधा रानी के मान को मनाना पड़ेगा गोपियों को सौभाग्यवत को दूर करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण रास से कृष्ण अंतर ध्यान होते हैं और अंतर ध्यान होकर के कृष्ण इतने में कृष्ण ने कहा देखो हम दो दो होकर के श्री श्याम सुंदर को ढूंढते हैं। इतने में श्याम सुंदर के कुंज में गए और सुंदर एक श्यामा सखी रूप धारण कर लिया। श्यामा सखी रूप धारण करते हुए उन्होंने राधा जी के हाथ को पकड़ लिए और राधा रानी को लेकर के कृष्ण कुंज में चले गए और जाकर के बड़ी सुंदर पुष्पों के द्वारा माला बनाया और राधा रानी को श्रृंगार किया। आज हम श्रृंगार मठ में जाएंगे। जब वहां पर राधा रानी को उन्होंने श्रृंगार की अभी राधा रानी भी देख रही है मैंने जो काम किया अच्छा नहीं किया क्योंकि ये गोपियां और कोई नहीं ये सबके समरी कायक व्यवहार है। राधा जी ही कृष्ण सेवा के लिए वो अनंत रूप से राधा रानी ने धारण किए। अभी मैं अकेले कृष्ण को लेकर भी यहाँ आनंद ले रही हूँ और गोपियां तो कृष्ण विरह में सबके सब विहलित होकर के ढूंढ रहे हैं श्याम सुंदर कहाँ श्याम सुंदर कहाँ। इतने में गोपियां जब पास में आई कृष्ण बोले चलो यहाँ से जल्दी हम चले जाते हैं। इतने में राधा रानी जान बूझ करके बोली है राधा रानी सोच रही है अगर तुम हमें माही में बन जाओ और श्याम सुंदर मेरे को मनाने लग जाए हो सकता है गोपियां आ जाएगी फिर तुम यहाँ रास करेंगे। इतने में राधा रानी बोली श्याम सुंदर में नहीं चल सकती जैसे आप रासो से मेरे को उठा करके ले जाए थे आप बैस ले जाओ व्यक्ति कंधे में बैठे हो निकल बैठाओ। इतने में राधा रानी जब बैठने के लिए गई श्याम सुंदर वहां से अंतर ध्यान हुई और आकर कहाँ बैठे ये इमली कृष्ण इसी वृक्षों के नीचे कृष्ण बैठे हुए इसी वृक्षों को नीचे। अभी प्रश्न है श्री कृष्ण इसी वृक्षों को नीचे क्यों बैठे और भी बहुत सारे वृक्ष था इसी वृक्षों को नीचे बैठे क्यों। इसका कारण बताए जिस समय कृष्ण गिरिराज
गोवर्धन को धारण किया, सारा दुनिया में 7 साल का बालक 7 रोज और 7 दिन तक एक अनुष्ट अंगुल को परमेश्वर ने गिरिराज उठा लिया। उठा लिया तो पूरा ब्रज मंडल में कृष्ण की जय जयकार हो रहा था। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी ये आवाज जब राधा रानी ने सुना, इतने में श्री पूर्णमासी को पास में जाती है। बोले पूर्णमासी जी, ये क्या बात है, सारा दुनिया में कृष्ण की जय जयकार हो रहा है, सबके सब कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन सारा दुनिया जानते हैं मैं राधा रानी, लेकिन कृष्ण को कोई राजा नहीं कहते। कृष्ण को राजा कहते क्या? कोई राजा कहते हैं नहीं, इसलिए राधा जी को क्या कहते, राधा रानी। मैं यहाँ का रानी हूँ, इसलिए वृंदावन में आओ ना, इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं यहाँ पर? जोर से बोलो राधा, जोर से राधा। इसलिए वृंदावन में सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। ये क्या मैं सुन रहा हूँ कृष्ण की जय जयकार? बोले ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए फिर तो गोपियों ने क्या किया, बोले नहीं, कृष्ण को आक्रमण करके कृष्ण को बंदी बनाएंगे। अभी उन्होंने कृष्ण को आक्रमण करके बंदी बनाए और श्याम सुंदर के द्वारा उन्होंने सम्मानित किया राधा जी को। इसी वृक्ष को नीचे श्री श्याम सुंदर राधा रानी को बैठा करके राधा रानी को उन्होंने महा महा अभिषेक किया और उन्होंने पूरा ब्रज मंडल में इन्होंने घोषित किया, आज से वृंदावन का जो अधीश्वरी कौन है? कौन है? इसलिए राधा रानी, इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी की रानी रानी, इसलिए वृंदावनेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, राधेश्वरी, सबके सब इनको ईश्वरी कहते राधा रानी को। इसलिए इसी वृक्ष को नीचे श्याम सुंदर आकर के इसी वृक्ष को नीचे बैठे और बैठ करके श्याम सुंदर अभी कृष्ण की चिंता करते 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 हैं, चिंता जिसको हमारे भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं, राधा चिंता निवेश न दृष्टता तीर विलोभिता श्री कृष्ण चरण बंदे राधा आलिंगित विग्रह। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्लोकों को बताते हैं, इसलिए इसी वृक्ष को नीचे बैठी करके कृष्ण राधा रानी की चिंता करते 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 इतना उन्हें चिंता में डूब गए और राधा रानी की मंत्र जप करते करते इतने डूब गए और उन्होंने अपना श्याम रंग को भूल करके श्याम सुंदर अभी श्री राधा रानी के रंग में आ गए। अभी गोपियां ढूंढ रहे हैं श्याम सुंदर गए का। जब राधा रानी को साथ में सखियां यहीं पर आए, इन्होंने श्याम सुंदर के यही पर देखा, बल इनका तो पीतांबर ठीक है, बंसुरी भी ठीक है, मर मुकुट ठीक है, लेकिन केवल इनका जो रंग है, केवल इनका रंग बदला हुआ है। इतने में राधा रानी समझ गई श्याम सुंदर में चिंतन करते 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 ये श्याम रूप धारण किए। तब राधा रानी आकर के श्याम सुंदर को स्पर्श करती है, स्पर्श करने पर धीरे 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 राधा रानी अपना भाव तो ले लिया, अपना अंग का भी ले लिया। अभी फिर श्याम सुंदर श्री श्याम सुंदर रूप में आए। जब आए इतने में कृष्ण सोच रहे हैं, यद्यपि मैं रस स्वरूप हूँ, यद्यपि मैं आनंद स्वरूप हूँ, विश्व ब्रह्मांड मेरे से आनंद को प्राप्त करके आनंद प्राप्त करते हैं सारा दुनिया, इसलिए कृष्ण को अखिल रसामृत मृत्यु बताया गया, वो स्वयं आनंद कंद कृष्ण है, इसलिए इसको ब्रह्मा कहते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो को साम जन मित्र परमानंदन पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण है। लेकिन कृष्ण देखा, आज मैं राधा रानी की चिंतन करते 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 जब राधा जी की भाव में मैं डूब गया, मेरे को एक नया आनंद की प्राप्ति हुई, जो आनंद कभी मैंने जीवन में कभी आस्वादन नहीं किया। तब श्री श्याम सुंदर को पता चला, जरूर ये राधा रानी की प्रेम में कोई चीज है। इसलिए यदि यही सही श्याम सुंदर राधा रानी की महिमा को यही पर समझे, पर समझ करके जब फिर वो गोलोक वृंदावन में जाते हैं, फिर निकुंज में बैठ करके सोच रहे हैं, मेरे मन में जितना इच्छा सारी इच्छा को मैंने आस्वादन किया, लेकिन एक चीज तो मेरे दिमाग से ऊपर चला गया, बोलो क्या है? बोले राधा या प्रणय महिमा के सम, राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है, हैं क्या महिमा राधा जी की प्रेम के, मैं जो आनंद प्राप्त करता हूँ राधा जी को देख करके, राधा रानी मेरे से करोड़ों गुण ज्यादा आनंद प्राप्त करती है, करोड़ों गुण राधा प्राप्त करती है। कहते मेरी प्रेम की एक सीमा होता है,
लेकिन प्रेम बढ़ते बढ़ते राधा कृष्ण के अंदर में राधा जी को देखे कृष्ण का प्रेम बढ़ती कृष्ण का प्रेम देखे राधा जी का प्रेम बढ़ती है लेकिन कृष्ण प्रेम एक जगह में जाकर के स्थगित हो जाती है लेकिन उसको ऊपर में भी राधा रानी का प्रेम बढ़ती रहती है जिसको राधा रानी आस्वादन करती है। यही पर ही श्याम सुंदर ने श्री कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि बनकर के आएंगे उनको राधा जी की महिमा यही पता चला। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा भाव दूत शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, इसलिए कृष्ण महाप्रभु का रूप में आए। इसलिए यहाँ पर दिखाए जो हम लोग को रूपानुभव है, हम लोग को रूपानुभव, रूपानुभव मतलब क्या होता है, बोले जो केवल राधा जी की सुख में सुखी और राधा जी का दुख में जो दुखी वो रूपानुभव है। इसलिए कभी मंजरी सखियां ये नहीं चाहती है हमारी जो राधा रानी है ना, राधा रानी कृष्ण को चिंतन करे, लेकिन वो क्या चाहते हैं कृष्ण राधा रानी का चिंतन करे। इसलिए ये जो स्थान है ये रूपानुगत्व की एक विशेष स्थान है। इसलिए श्री मन चैतन्य महाप्रभु जब आए थे महाप्रभु रहते थे अक्रूर घाट में, महाप्रभु रोज अक्रूर घाट से यही आते थे और यही आते थे यही पर जुगल घाट में स्नान करते थे। स्नान करके महाप्रभु श्री वृक्ष को नीचे बैठते थे, बैठ करके महाप्रभु भी ये जो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, इसलिए महाप्रभु यही बैठ करके ये हरे कृष्ण महाप्रभु जप करते थे। यदि ये हरे कृष्ण महामंत्र सबसे पहले किसके मुंह से निकली, ये हरे कृष्ण महामंत्र सबसे पहले किसकी मुंह से निकली, राधा रानी का मुंह से ही कृष्ण विरह नहीं ये महामंत्र श्री किशोर जी के मुंह से ये महामंत्र निकलती है। और यहीं पर महाप्रभु भजन करते थे। अब जब श्री नित्यानंद प्रभु पहले आए थे महाप्रभु से पहले, जो वहां पर देखना एक चबूतरा बनाया हुआ है, ये चबूतरा श्री नित्यानंद प्रभु अपना हाथों से बना करके गए थे क्योंकि उनको पता है कलयुग में महाप्रभु आएंगे और जब महाप्रभु वृंदावन में आएंगे और यहीं पर बैठ करके भजन करेंगे, इसलिए उस चबूतरा को उन्होंने यहीं पर बनाए थे। और ये जो स्थान है कभी हमारे श्रीमद् भक्ति भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, वहाँ पर एक छवि देखना जो प्रभुपाद अपना परिकरों को साथ में आए, वहाँ पर चित्र दिया हुआ है। तब प्रभुपाद जब यहीं पर आए अपना परिकरों को साथ में तो उन्होंने बोले थे उस समय यहाँ पर सुअर घूमते थे, यहाँ पर सेवा का कुछ नहीं, पहले हम लोग जो आए देखे छोटी सी घर कुछ नहीं, लेकिन जो महाप्रभु जो नित्यानंद प्रभु ये पहले से ही यहाँ पर थे लेकिन इनकी सेवा पूजा ठीक से नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्रभुपाद इंगित किया था अगर ये स्थान का संस्कार हो जाए तो अच्छा हो। इसलिए भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने ये प्रभुपाद की चरणाश्रित तरीकों ने ये स्थान को पुनः उन्होंने उद्धार किया है। भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज उन्होंने हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को जो आचार्य जो केसर जो शब्द उनका आचार्य कहते नाम विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणी जो भक्ति प्रज्ञान केशव इति नाम इसको किसने दिया है, कहते भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जिनकी सिंह स्वरूप अगर कोई सहजिया मायावादी कोई उल्टा पुल्टा अपसंप्रदाय कुछ भी कोई बोल दिया प्रभुपाद के ऊपर में कोई अंगुल उठा दिया वो नहीं छोड़ते थे, भक्ति प्रज्ञान के सेव जैसे टूट पड़ते थे। इसलिए ये महापुरुष ने उनको उसी हैं उनकी इनको उपाधि में उन्होंने विभूषित यही महापुरुष ने किया था। कहते गौड़ीय मठ का जो ऐश्वर्य प्रभुपाद इनको द्वारा स्थापन किया, जैसे प्रभुपाद एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने भक्तों पर एक एक सेवा लगाया, इन्होंने क्या किया बोले गौड़ीय मठ का जो ऐश्वर्य पहले जब प्रभुपाद आए साधारण रूप में हमारे गुरु वर्ग बड़े बड़े पैसा वाले घर पे आए थे, बड़े बड़े पैसा धन्ना सबके सब थे, लेकिन आम यदि जो सजना साग है ना उसमें चावल मिला करके किसी तरह से खिचड़ी बना करके कभी फ्लोर को साफ करके वहां पर इसे खाया करते थे। अभी तो हम लोग को आकर के बड़े राज ऐश्वर्य गुरु वर्ग ने बड़े बढ़िया सुंदर सुंदर मंदिर बना दिया। तीर्थ महाराज हमारे बनवार जब मंदिर में हम लोग पहले आए उनको मथुरा मठ का स्थिति पूछ लो, ये नीचे से पानी बाल्टी में उठा करके ऊपर लाया करते थे, लकड़ी आता था सर पर ऊपर लाकर लकड़ी लाते थे, वहां पर ईट अपना सर पर रखकर ईट को पूरा मकान बनाया,
यहाँ पे बनवास कृष्ण महाराज जी बहुत परिश्रम किया, लेकिन अभी हम लोग आ करके मंदिर के ठाड़ बाढ़ देख करके ना हम सब चीज को भूल गए। इसलिए पहले पहले महाप्रभु ने राजाओं को ला करके उनको संग सनातन हमको पेड़ को नीचे कर दी, लेकिन हमारे गुरुवर्ग इतने दयालु जानते ही वजन कर ही नहीं सकते, हमें पेड़ को नीचे से ला करके कहाँ पर खड़े कर दिया, राजमहल में खड़े कर दिया। इसलिए हम ये चीज के ना महत्व को नहीं समझ रहे, महत्व को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए ये महापुरुष को आकर के गौरी मठ में इन्होंने ऐश्वर्य जी इन्होंने बढ़ाया। एक समय प्रभुपाद का आदेश से उन्होंने भिक्षा मिले, गए तो देखो बहुत बड़ा बिल्डिंग ये है जिसमें हजार हजार लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस मैन था उसके पास 8-10 फ्लोर। तब ये महापुरुष उनके पास में गए भिक्षा लेने के लिए, कुछ बोले हम कुछ बात करना चाहते हैं, जानते साधु किस लिए आए भिक्षा लेने के लिए, एक रुपया पकड़वा दिया उसमें बहुत कीमत है, बोले पैसा लेना नहीं चाहता हूँ केवल मेरे को 2-4 मिनट समय दो। बोले नहीं 200 रुपया ले लो, 500 रुपया ले लो, 1000 रुपया, बोले नहीं पैसा नहीं चाहिए केवल 5 मिनट हमें दो। वो चाह रहे थे उनको कथा सुना करके उनको प्रभुपाद के पास में ले आए, बोले मेरे पास में कथा सुनने के लिए समय नहीं, पैसा लेना तो ले जाओ। बोले अगर मेरी कथा सुनने का समय नहीं तो आपका पैसा मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने पैसा कब छोड़ करके चले गए। जब चले गए तब एक दिन फिर 2-4 साल के बाद में फिर वो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज उधर से होते जा रहे थे, उन्होंने सोचा 2-4 से पहले आया था देखा था वो बड़ा बिजनेस जान, अभी एक बार जा करके देखो। वहां पर देखा तो बिल्डिंग पूरा खाली है, कुछ है नहीं, उसका लाल बत्ती जल गई, पूरा लाल बत्ती जल गई, सारे बिजनेस विदेश तक भी था लाल बत्ती जल गई, पूरा बिल्डिंग खाली खाली। बड़े आश्चर्य हुए, बोले पहले हजार हजार लोग जब नीचे उतर करके आए ना उसको सामने फुटपाथ में एक व्यक्ति बैठी है कुछ कपड़ा बेच रहा है, वो उनको पहचान गए वो व्यक्ति, बोले आप किसको ढूंढ रहे थे, बोले एक साल पहले यहाँ पर बड़ा बिजनेस मैन था, बड़े लोग काम कर रहे थे, मैं तो देखने के लिए आया था। बोले महाराज मैं वही हूँ। महाराज मैं वही हूँ। बोले क्या हो गया, बोले मेरे पूरा लाल होती चली हूँ, आप आए थे मेरे को कुछ कथा सुनाने के लिए, कथा बोल रहे थे 5 मिनट दो, मेरे पास में समय नहीं था, अभी मेरे पास समय ही समय नहीं, एक आसन दिया बैठने के लिए, हम उसको ऊपर बैठे, फिर उन्होंने हरी कथा सुनाई, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीजे, ये श्लोकों को उन्होंने सुनाया, व्याख्या किया, कितने दुर्लभ जीवन, कितने कष्ट से हमें गुरु वैष्णव प्राप्त, उनको सुना करके पूरा प्रभुपाद को पास मिला है। इसलिए कहते हैं ना जस्य अहम अन्न गृह्णामि हरि से तत् धनौषधि, इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं जिसको ब्रह्म कृपा करता हूँ ना जे कर अमर हाथ तार करि सर्वना तब यदि नाछाने अमर हाथ हामी परितार दासरि दास, अतः जे अमर हाथ कहते उसका सर्वनाश कर देता हूँ। उनके अब एक मिनट कथा करता हूँ। एक समय प्रभुपाद जिसमें 5 लोग जैसे तीर्थ मार्ग से परिक्रमा करा रहे बंगाली वस्त्र लाते हैं, प्रभुपाद का समय भी इस परिक्रमा होता था, प्रभुपाद जी को प्रभुपाद का बड़ा विश्वास था, बोले जाओ 500 बंगाली भक्त लोग आएंगे बंगाल से ब्रजमंडल में परिक्रमा करने के लिए, तो कुछ व्यवस्था करो, कोई पैसा नहीं दिए, कोई पैसा नहीं केवल उनको भेज दिया, उनको विश्वास था, लेकिन वो बड़े हाई हाई पहले वो है वो ट्रेड जो ये रेलवे में बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने थे उनको सारे टेक्निक पता है, और उन्होंने आए ब्रजमंडल में आकर के ना उन्होंने कोट और बूट और सूट टाई भाई खरीद कर लिया, खरीदी करके उन्होंने जो इनकम टैक्स का उन्होंने ऑफिसर बन गए, और उन्होंने रजिस्टर ले लिया, ले करके उन्होंने कहाँ गए, गए उन्होंने होली गेट में जा करके बोले काफी देखा कितना तुम्हारी इनकम और इनकम को क्या कर रहे हो और नहीं कर रहे, पहले लोग इतना लिखे पढ़े नहीं होते थे, ये तो एक पगड़ी बांध करके जब जाते थे ना कोई मेरे गाड़ी का कोई किराया ले जाते थे, गाड़ी किराया ले करके गाड़ी में ठाड़ बाढ़ के साथ में जाते थे, क्योंकि अभी का युग ऐसे, तब उन्होंने बोले निकालो काफी निकालो कितना तुम्हारी इनकम में इनकम टैक्स का, मैं ऑफिसर हूँ और सभी में तो कुछ गलती उस समय तो और ज्यादा ही था, उन्होंने बोले तुमको फाइन देना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, पूरा जितने दुकान में प्रचार हो गया, इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर आया, वो हिसाब किताब मांग रहे, किसका हिसाब किताब है नहीं, सब कहां उठे आकर के सारे लोग इकट्ठे होकर के चरण में गिर गए, जब गिर गए इनके चरण में फिर उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, बोले देखो मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक साधु हूँ, मेरे गुरु जी ने यहाँ पर 5 लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए बंगाल से आ रहे हैं,
इसलिए गुरु जी के आदेश पर मैं यहाँ पर तो भिक्षा लेने के लिए आया हूँ, मैं इनका त्याग से माफी करने के साथ हूँ बस। इसलिए जब मैंने ये बात सुने ना, बोले महाराज जी के मथुरा वासी ब्रजवासी नहीं है, साधु संत की सेवा में इनकी रुचि है। उन्होंने एक दिन में, किसने कहा मैं एक बड़े चावल दूंगा, किसने कहा एक बड़े आटा दूंगा, किसने कहा एक किलो घी दे दूंगा, उन्होंने 10 मिनट में ना एक महीना की उन्होंने सारे खर्चा उन्होंने 10 मिनट में निकाल दिए, पूरा निकाल दिए। निकाल करके बाद एकदम चकाचक उन्होंने नौकर उठा दिया, टहनिया को काट दो, लेकिन जब वृक्ष में चोट लगाया उससे खून निकला, आप लोगों को देखना खून निकला यहाँ से, बोला अरे देखो पेड़ से खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, काटना बंद करो बंद करो। बाद में जिस व्यक्ति ने मारा काटा ना, उसका बल समेत नष्ट हो गया। जब ये वृक्ष अंतर ध्यान हुई, मैंने था देखा जैसे एक आदमी मरने के बाद जैसे खून निकलता है, वहां पर एक जगह था जिसमें खून कितने महीना तक वो खून पड़ा हुआ, जैसे एकदम ढला ढला जैसे खून निकलता है वृक्ष से निकला। क्योंकि जो वृक्ष कहते हैं ना, वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते श्री राधे राधे होई। इसलिए वृंदावन का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, ये ऋषि मुनि लोग वृक्ष रूप से भजन कर रहे हैं। इसलिए ये स्थल की अनंत महिमा है। हम लोग यहाँ पर परिक्रमा करने आए, यहाँ प्रार्थना करें, चरण धोली ले, वैष्णव से आशीर्वाद ले, जैसे हम भी ऐसे गुरु वैष्णव की सेवा करते करते हमारा जीवन ऐसे बीत जाए। बंशा कल दुर्भ कृपा।